हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको कहते हैं टेंस। और दोस्तों, हमने पिछले 6 वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ा है। आज मैंने प्रयास किया है कि उन 6 तरीकों से थोड़ा सा बेहतर करूँ, आपके पास टेंस को लेकर के आऊँ। पिछले 6 वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ा है, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। आखिर कोई सेंटेंस है, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए एक नजर इस पर डालते हैं। कहते हैं कि इस टेंस में उन वर्तमान कालिक वाक्यों को रखा जाता है जिसका संबंध एक अवधि से हो, यानी कि एक टाइम पीरियड से जिसका संबंध होता है, उसको कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और दूसरे अर्थ में अगर हम ऐसे समझे तो ऐसी कोई भी क्रिया जो पास्ट में शुरू हुई और प्रेजेंट में अभी भी जारी हो, तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रख सकते हैं। जैसे वह अगर किसी वाक्य में आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे वह खाता रहा है, पढ़ता रहा है, ता रहा है लगा हुआ रहे, तो भी आप समझ सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो बड़ा सरल तरीका से इसको समझना है कि ऐसी कोई भी घटना जो पास्ट टेंस में शुरू हुई और प्रेजेंट में जारी है, तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या जिसमें ता रहा है लगा हो। ठीक है, अब ये आवश्यकता नहीं है कि इसके प्रत्येक वाक्य में रहा है, रही है, हो ही। ठीक है, जैसे वह 2 वर्षों से बीमार है, तो ये 2 वर्ष पहले बीमार पड़ा, अभी भी बीमार है, तो ये इंगित करता है किस बात को, कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको जाना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हमको सिंस फॉर का यूज करना होता है। तो सिंस के आप यूज हम किस समय के साथ करते हैं और फॉर का यूज हम किस समय के साथ करते हैं, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सिंस का यूज कहाँ करना है हमको और फॉर का यूज कहाँ करना है। तो देखिए, सिंस का प्रयोग हम करते हैं अगर हिंदी वाक्य में सुबह, दोपहर, शाम, रात, जन्म, बचपन, जवानी, विवाह, बुढ़ापा, मृत्यु। अब यहाँ पे सुबह से हमने प्रारंभ किया और रात तक चले गए, और जन्म से प्रारंभ किया और मृत्यु तक। जन्म के बाद बचपन, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद विवाह, और विवाह अगर आपने कर लिया तो बुढ़ापा तो आना ही आना है। तो और उसके बाद मनुष्य क्या करता है, मृत्यु का इंतजार करता है। तो बड़ी आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, क्योंकि सुबह के बाद दोपहर का होना है, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात, और जन्म के बाद बचपन, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद विवाह, विवाह के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद मृत्यु का इंतजार करते हैं। और उसके बाद है वार बजे ईस्वी। वार यानी शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो ये वार हो गया, बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और ईस्वी यानी कि कोई भी ईस्वी, जैसे आपका जन्म हुआ तो 1995, 96, 97, 98, 99, 1980, तो ऐसा कुछ भी अगर है तो इसके साथ हम सिंस को यूज करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है फॉर। फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे मिनट, वह 2 मिनट से बीमार है या वह 2 मिनट से बैठा है, तो मिनट मिनटों, घंटा घंटे, दिन दिनों, सप्ताह सप्ताहों, महीना महीनों, वर्ष वर्षों, युग युगों, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। अब इसमें देख लीजिए, सबसे छोटी इकाई होती है पल, तो वहां से आप लेकर के और युग युगों तक सब कुछ आ जाएगा कहां, फॉर में आ जाएगा। तो अब ये जब हम समझ जाते हैं तो अब हमको वापस आना है कहां, अपने स्ट्रक्चर की तरफ। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर हम सबसे पहले आते हैं, आइए देखते हैं अपना अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है हमारा और उसको कैसे वाक्य में हम रखते हैं। दोस्तों, इसको बनाते समय अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसके बाद आप चाहें तो आप आराम से अपने जो आपका किताब होगा कोई भी ट्रांसलेशन का, तो उसमें इसको निकाल करके और प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल तरीका हो जाएगा। फिर आपको समझ में आया या नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और हालांकि ज़्यादातर वीडियो प्रीमियर होता है तो उस समय तो मैं बिल्कुल ही उपलब्ध होता हूँ आपके साथ चैट करने के लिए, तो उस समय भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा क्या है, पहला स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव जिसको कहते हैं, वो है सब्जेक्ट प्लस Have oblique has plus been plus before plus object plus since oblique for, यानी since या for। सारी चीजें तो बिल्कुल फ्लैट वे में है, लेकिन दो चीजें have या had,
और सिंस या फॉर। तो अभी अभी आपने इस चीज को समझ लिया कि सिंस लेना है हमको या फॉर लेना है, कहाँ सिंस लेना है कहाँ फॉर लेना है। अब हैव वर्ब को समझ लेते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमको क्या यूज करना है, हैज का यूज करना है, और अन्य सभी के साथ हमको हैव का यूज करना है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन हमारा है आई और वी, ठीक है, सेकेंड पर्सन है यू। तो इसके अतिरिक्त जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। आई वी यू को छोड़कर जितने भी नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। और सिंगुलर यानी अगर वो अकेले हैं तो उसके साथ हमको हैज का यूज करना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, एक से अधिक है, तो फिर हमको हैव ही यूज करना है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी आई वी और यू को छोड़कर अगर कोई अकेला है तो उसके साथ आपको हैज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ही हैज बिन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर। तो यहाँ दो चीज हमको समझना है, सब्जेक्ट हमारा ही था, ये थर्ड पर्सन है, ही यानी सिंगुलर है, तो हमने यहाँ क्या लिया, हैज लिया, और ईयर्स लगा हुआ था वर्षों, 2 वर्षों, और वर्ष वर्षों का प्रयोग हमको कहाँ करना है, फॉर में करना है। तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, फॉर लगा हुआ है। तो ही हैज बिन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। आप थोड़ा सा समझ लीजिए, सब्जेक्ट हमारा ही था, हैव एज में से हमने किसको लिया, हैज को लिया, फिर बीन को लिया, वर्ब फोर कौन सा काम हो रहा है, तो टीचिंग, टीचिंग यानी पढ़ाने का काम हो रहा है, टीच, टीच का वी फोर क्या है, टीचिंग है, और कहाँ हो रहा है, तो इन दिस स्कूल, और फिर लास्ट में फॉर 2 ईयर्स। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इसी में हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। हमारे क्षेत्रीय भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी वाक्य के अंदर नहीं वर्ड का प्रयोग किया गया है, यानी नकारात्मक है, निगेटिव है, तो हम कैसे उसको रखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होता है, तो सब्जेक्ट वैसे ही रहता हैव एज वैसे ही होता है, लेकिन हैव एज के बाद हमको नॉट यूज करना होता है, और फिर जैसा था हमारा स्ट्रक्चर यानी नॉट के बाद बीन, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो देखिए अब उसी सेंटेंस को हमने यहां चेंज किया, तो ही हैज, अब हैव एज के बाद हमको क्या लेना था, नॉट लेना था, तो हमने यहाँ नॉट लिया, बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। बिल्कुल सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, बस हमारा जो नॉट है वो हैव एज के बाद आकर के लग जाएगा। अब इसका अगर कहता है कि वह क्या हुआ कि वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा है, वहां क्या था कि वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही नहीं आ गया तो हमने हेल्पिंग जो हमारा था यहाँ पे हैव एज जो था उसके बाद हमने क्या यूज कर लिया, नॉट को यूज किया है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं आगे हमारा इंट्रोगेटिव, यानी जिसको आप कहते हैं एस नो क्वेश्चन, क्या होता है एस नो क्वेश्चन, इसको ऐसे इंट्रोगेटिव हम कहते हैं, एस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो वाक्य बनते हैं उनका आंसर सिर्फ एक ही शब्दों में होता है, यस और नो। तो देखिए अब जैसे ही, और इसको हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, वाक्य के आरंभ में क्या रहने पर, जब वाक्य, जब कोई सेंटेंस हमको हिंदी में मिलता है और उसके आरंभ में क्या रहे, तो उसके लिए हमारे स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होता है, तो हम हैव एज को सबसे पहले लिखते हैं, हैव या हैड जो भी एक हमको यूज करना होगा वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बीन हो जाएगा, फिर वर्ब फॉर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस फॉर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य है। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जो किसी प्रश्न की ओर इशारा कर रहा हो तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य होता है। कभी कभी आप कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो क्या हो गया, वो क्वेश्चन मार्क वो सिंबॉल है, वो बताता है कि ये क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो वो उसका जो वैल्यूएशन है वो खत्म हो जाएगा। जैसे आपने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना लिया और उसमें नमक नहीं डाला तो वो बिना स्वाद का हो जाता है, बेस्वाद होता है। वैसे ही अगर किसी सेंटेंस को पंक्चुएशन ना दिया जाए सही जगह पर तो वो उसका वैल्यूएशन जो है वो खत्म हो जाता है, वो बिना स्वाद का रह जाता है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में जो प्रश्न की ओर इशारा कर रहे हैं उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का होना अनिवार्य है। तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, हैव एज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। अब यहाँ हमने क्या रखा, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू चूंकि सेकेंड पर्सन इसलिए हमने हैव को यूज किया, हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, क्या हमने कहा, हैव यू बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ क्या है कि जैसे ही सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हुआ, सेकेंड पर्सन हुआ, और हमको अधिकार है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैव को रखने का, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव यूज किया।
और चूंकि ये यस/नो क्वेश्चन है, क्या तुम इस विद्यालय में 2 वर्षों से पढ़ा रहे हो, यस और नो? क्योंकि यस/नो क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ हमको इस स्ट्रक्चर के आधार पर इसको लाना होगा, और क्वेश्चन मार्क हमने अनिवार्य रूप से यहाँ देना था जो हमने दिया। अब दूसरा लेते हैं, इसी का जो निगेटिव है, यानी नॉट के साथ इसको कैसे यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को यूज करते हैं, ठीक है? तो हैज ही नॉट बीन इल सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से बीमार नहीं है, क्या वह सुबह से बीमार नहीं है? अब देखिए, तो यहां चूंकि फिर सब्जेक्ट हमारा क्या था, ही था, तो इसलिए हमने यहाँ हैज लिया, यहां हमने हैव नहीं लिया, यहाँ क्या लिया, हैज लिया। और यहाँ इल में हमने आईएनजी का प्रयोग नहीं किया है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि इल में, प्रेजेंट में, अब्सेंट में, इस सब में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है? ये कुछ वैसे वर्ड होते हैं जिनके साथ आईएनजी यूज नहीं होता है। तो इल है, प्रेजेंट है, अब्सेंट है, ये तीन आप याद रखेंगे तो यहाँ आपका काम चल जाएगा। और अब आते हैं हम आगे, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां हु एज अ सब्जेक्ट होता है, यानी वाक्य के आरंभ में कौन रहने पर, अगर कोई वाक्य कौन के साथ शुरू हो रहा है, हु के साथ शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हु हैज बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस पब्लिक फॉर, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है? हु हैज बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, Who has been playing since morning? कौन सुबह से खेल रहा है? अब यहाँ एक चीज आपको गौर करना है कि who जब भी subject के रूप में यूज होता है, जहां भी who अगर subject के रूप में यूज हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे वाक्य में have का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? ऐसे sentences में आपको have का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ आप सिर्फ has का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज और जो आप इस सेंटेंस में गौर कर सकते हैं, यहाँ since morning, सुबह, आपको याद होगा हमने कहा था सुबह, दोपहर, शाम, रात किसके साथ आता है, तो सिंस के साथ आता है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग को यूज किया गया है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू एच सेंटेंस की ओर। अब डब्ल्यू एच सेंटेंस के बारे में हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि डब्ल्यू एच और क्वेश्चन वर्ड, ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है। जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड है, ये जो 7 WH वर्ड हमने आपको बताया, वो क्वेश्चन वर्ड से ही आते हैं, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन वर्ड से आते हैं, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अब जैसे सभी घोड़े जानवर हैं, लेकिन सभी जानवर घोड़े नहीं हैं, तो सभी डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन वर्ड हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है। अब ये अंतर आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हाउ एक डब्ल्यू एच वर्ड है और ये क्वेश्चन वर्ड भी है, लेकिन हाउ मेनी को हम क्वेश्चन वर्ड तो कह सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड नहीं कह सकते। हाउ मच को हम क्वेश्चन वर्ड तो कह सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड नहीं कह सकते। और ये अंतर जब आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? आगे मैं आपको उसका वीडियो भी देने वाला हूं। तो देखिए, जैसे ही डब्ल्यू एच यानी ऐसे शब्द हमारे वाक्य के बीच में आ जाए, अंदर यानी मध्य में आ जाए, वह कैसे 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, ठीक है? तो ये क्या है, कैसे कहां आ रहा है, सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है। तो डब्ल्यू एच प्लस हैव एज सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस पब्लिक फॉर, और क्वेश्चन मार्क यहां भी होना अनिवार्य है। तो वह कैसे 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है, तो हाउ हैज ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, हाउ हैज ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, ठीक है? तुम सुबह से क्यों रो रहे हो, तुम सुबह से क्यों रो रहे हो। अब क्यों जो है, Why कहां रहे, सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है। तो why have you been weeping since morning? Why have you been weeping since morning? अब यहाँ पे हमने have यूज किया क्योंकि you जो कि सेकेंड पर्सन है, पहले सेंटेंस में हमने have यूज किया था क्योंकि he जो है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, और इसी को अगर निगेटिव में हमको लेना है तो फिर डब्ल्यू एच हैव एज सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन है, फिर बर्थोड है, ऑब्जेक्ट है, सिंस ऑब्लिक फॉर है। तो जैसे वह 2 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, वह 2 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है। अब डब्ल्यू एच तो है मिडिल में, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे क्या होता है, Why has he not been coming to school for 2 days? Why has he not been coming? अब यहां हमको बीन से पहले नॉट को यूज करना है। अब एक चीज और जो हमको ध्यान देना है इसमें, अगर थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो ये बिल्कुल आपका आज ही क्लियर हो जाएगा और फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है।
आइए एक और क्या हमको ध्यान देना है, वो खास बात क्या है इसका, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें या नोट कर लें, तो वो खास बात ये है कि अगर वेन और देन के साथ, अगर वेन और देन के साथ हमको यूज करना हो सिंस और फॉर का, तो हम फॉर का यूज नहीं करते हैं और सिंस का यूज करते हैं, वो भी वाक्य के लास्ट में नहीं, सेंटेंस के शुरू में उसका यूज करना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अगर हम सेंटेंस के शुरू में उसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादा बेहतर होता है। जैसे वह कब से बीमार है, वह कब से बीमार है, सिंस वेन हैज ही बीन इल, तुम कब से अनुपस्थित हो, सिंस वेन हैव यू बीन एब्सेंट। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां वेन और देन यूज करना हो तो उसके साथ हम फॉर को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी अगर हम सेंटेंस के शुरू में करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा और वाक्य ज्यादा खूबसूरत लगता है। मैं ये नहीं कहता कि वो वाक्य गलत हो जाएगा, लेकिन वाक्य की सुंदरता तभी होगी जब हम सिंस के साथ वेन और देन को शुरू में यूज कर लें। ठीक है, अब आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो जो है ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और आप हमसे क्वेश्चन करिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, खासतौर से इंग्लिश और हिंदी का एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक आप तक पहुँचता रहेगा, और हमारा एक वीडियो प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे जरूर आ जाता है, तो आप उस प्रीमियर का इंतजार जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे फिर